जितना तुम बाप को याद करते रहेंगे तो लाइट आती रहेगी। मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी याद से। आत्मा प्योर बनेगी तो कोई कोई भी साक्षात्कार हो सकता है, क्योंकि बाप भी तो मददगार बैठा है ना। मददगार बाप भी प्रवेश करेगा। बाप तो हमेशा बच्चों के मददगार ही होते हैं, पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते ही हैं, नाम नहीं लिया जाता है। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि से समझना चाहिए कितना हमको धारणा होती है। अगर धारणा होती है तो जिनको धारणा होगी वो दूसरों को ज्ञान भी समझाए कर दिखावेंगे। ये ज्ञान धन है, इनको ज्ञान रतन कहा जाता है। अगर कोई को देते नहीं है तो कहेंगे मनहूस। मनहूस भी होते हैं ना, तो दूसरों का भी कल्याण करना है। धन ले करके फिर दान करेंगे तो महादानी कहेंगे। महादानी कहो, महावीर कहो, महारथी कहो, बात एक ही है, परंतु सभी तो एक जैसे नहीं बन सकते। तुम्हारे पास कितने आते हैं, एक एक से बैठ करके माथा मारना होता है। वो लोग तो अखबारों द्वारा बहुतों को बातें सुनाते रहते हैं तो चमकते हैं, पर जब तुम्हारे पास आए सुनते हैं तो कहते हैं परमत क्या क्या सुना, यहाँ तो हमने बहुत फर्क देखा। एक एक को माथा को ठीक करने में कितनी मेहनत लगती है। कोई महारथी है, कोई घोड़े सवार हैं, प्यादे हैं, ये भी ड्रामा में अपना अपना पार्ट है। ये भी तो समझते हैं आखिरी में जीत तो हमारी होनी है। जो अंदाज कल पहले बना था वो जरूर बनना है। पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही पड़ता है।